हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हर बार की तरह एक बार फिर से की टू सक्सेस चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग जितने भी वीडियोस बनाए हैं टेंस के बारे में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के आइडेंटिफिकेशन नंबर 4 को एक बार जरूर देखिए, क्योंकि आज हम पास्ट इंडेफिनिट के आइडेंटिफिकेशन नंबर 4 के बारे में बताने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपको पास्ट इंडेफिनिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर 4 बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही कम समय में समझ में आएगा, बशर्ते आप थोड़ा सा एक काम करें, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर 4 देख लें एक बार तो बेहतर होगा। फिलहाल आइए हम लोग देखते हैं इसको जल्दी से हम लोग कैसे समझ सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन नंबर 4 कहता है स्टूडेंट, ऐसे हिंदी वाक्य जिनके मेन वर्ब के रूप में, यहां पर मेन वर्ब के साथ नहीं होने वाला है डियर, मेन वर्ब के रूप में प्रेजेंट डेफिनिट में हुआ था है हूं हो, अब पास्ट में आ गया था थे थी, यानी मेन वर्ब के रूप में था थी थे इत्यादि शब्द आते हैं, तथा सब्जेक्ट के रूप में कोई क्रिया होती है, यानी कि वर्बल नाउन जो वर्ब के साथ, यानी कि वह नाउन जो वर्ब के साथ जुड़कर वर्बल नाउन का निर्माण करता है, ऐसे को हम लोग यहां पर सब्जेक्ट के रूप में मानेंगे। जैसे वर्ब प्लस नाउन, जिसको हम बोलते हैं वर्बल नाउन, और यही आपका होता है सब्जेक्ट। यानी कि अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, रूल की बात करें, तो यही निकलेगा सबसे पहले सब्जेक्ट, और आपको पता है कि वर्बल नाउन सदैव सिंगुलर होता है। ठीक, तो यहाँ पर केवल और केवल होगा वाज, किसकी अंग्रेजी था थी थे कम अंग्रेजी केवल और केवल वाज होगा, प्लस कम्प्लीमेंट, और कम्प्लीमेंट का मतलब होता है सब्जेक्ट की पूरी जानकारी, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ कहा जाए वो सारी चीज़ कम्प्लीमेंट में आएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट हो सकता है एटसेट्रा हो सकता है, मेन वर्ब नहीं है, क्योंकि मेन वर्ब के रूप में इसमें यही आ गया और हेल्पिंग वर्ब भी यही कहलाएगा, अर्थात ये केवल और केवल सिंगुलर होगा, क्योंकि वर्बल नाउन सदैव सिंगुलर होता है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, वर्बल नाउन, जिसकी अंग्रेजी हम चूंकि आपको प्रेजेंट डेफिनिट में ही पढ़ा चुके हैं, दो प्रकार से बनाते हैं, जरा देखिए कौन कौन सा, इन्फिनिटिव का प्रयोग करके या फिर जीरंड का प्रयोग करके। इन्फिनिटिव को हम लोग बोलते हैं 2+V1, और जीरंड को हम लोग बोलते हैं वर्ब का ing फॉर्म, यानी कि फोर्थ फॉर्म। एग्जाम्पल लेते हैं बेहतर ढंग से समझ में आए। जैसे मैंने कहा उसे गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं था, उसे गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं था, पास्ट इंडेफिनिट में। तो डियर स्टूडेंट्स, वर्ब के साथ नाउन या प्रोनाउन जुड़े इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बनेगा वर्बल नाउन ही, और वर्बल नाउन की अंग्रेजी हम दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, वो बनेगा आपका सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस कम्प्लीमेंट, जो बचा एकदम सरल है। जैसे उसे गिरफ्तार करना, गिरफ्तार करना एक वर्ब है और उसे क्या है, एक प्रोनाउन है, तो वर्ब प्लस प्रोनाउन मिलकर बनेगा वर्बल नाउन, ये आपका सब्जेक्ट होगा। ठीक है, और आपको पता होगा ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब इस समय एक वर्ड का है जो मेन वर्ब के रूप में इसमें आया, उसे जस्ट वर्ड नॉट लगाएंगे और कम्प्लीमेंट लिख देंगे। तो देखिए कितना आसान है, उसे गिरफ्तार करना यानी कि टू अरेस्ट, 2+V1 हो गया, और इसी के साथ हमको और आपको पता है कि प्लस नाउन या प्रोनाउन जो आता है वही आपका सब्जेक्ट कहलाता है। तो नाउन या प्रोनाउन क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन आ गया टू अरेस्ट हिम या हर, क्योंकि जेंडर नहीं क्लियर, तो हिम और हर हम दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, टू अरेस्ट हिम टू अरेस्ट हर, क्या वाज, और चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में है जस्ट इसके बाद नॉट आएगा आपको पता है, तो टू अरेस्ट हिम वाज नॉट इतना आसान, सो ईजी, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। और भी कई तरीके हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने तो दो तरीका, एक तरीका होता है टू अरेस्ट हिम वाज नॉट सो ईजी, आप दूसरा भी लिख सकते हैं, टू अरेस्ट के स्थान पर आप लिख सकते हैं अरेस्टिंग हिम, अरेस्टिंग हिम या हर वाज नॉट सो ईजी। अगर आपको थोड़ा सा बदलना हो, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी न हो, न पहचान पा रहे हो, तो कोई बात नहीं, सब्जेक्ट को इट मान लीजिए, सेंटेंस को पलट दीजिए, अपने आप क्लियर होगा। आइडेंटिफिकेशन नंबर 4 में मैंने आपको पढ़ा दिया है प्रेजेंट डेफिनिट में, तो क्या होगा यहाँ पे, हम चाहें तो इट से शुरू कर दें, इट वाज नॉट सो ईजी, अब इनमें से कोई एक हम लिख सकते हैं क्या, टू अरेस्ट हिम, या फिर हम यहां लिख सकते हैं अरेस्टिंग हिम, बाकी सब चीजें सेम होगा। इसी प्रकार से और भी कई सेंटेंस ले सकते हैं, भूकंप पीड़ितों की मदद करना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी थी, तो क्या हो जाएगा,
भूकंप पीड़ितों की मदद करना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी थी। आपको खोजना है इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो बिल्कुल आसान है। जहाँ पे वर्ब प्लस नाउन या वर्ब प्लस प्रोनाउन जोड़ के वर्बल नाउन बना है वही सब्जेक्ट होगा। इधर मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया है। तो यहाँ पर देखो लिखा है मदद करना, एक वर्ब है। किसकी मदद करना डियर? भूकंप पीड़ितों की, एक नाउन है। अर्थात नाउन प्लस वर्ब मिलकर वर्बल नाउन बन गया, यही सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट बार आप डायरेक्ट इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, फिर जो बचेगा उसको लिख देंगे कंप्लीट। यानी भूकंप पीड़ितों की मदद करना तो क्या हो जाएगा, टू हेल्प, या तो टू प्लस वी वन, यानी कि टू हेल्प। अब किसका नाउन आया है, किसका मदद करना, भूकंप पीड़ितों की, टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। और इसके स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं, हेल्पिंग द अर्थक्वेक विक्टिम्स। फिर क्या होगा, वाज होगा कि वर, तो आपको पता है कि वर्बल नाउन सदैव सिंगुलर होता है। विक्टिम्स यहाँ पर नाउन है जरूर, प्लूरल है, लेकिन यहाँ पर टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स पूरा सब्जेक्ट होगा, अर्थात वर्बल नाउन सदैव सिंगुलर होता है। तो वाज थी, क्या थी, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय। तो हम लिखेंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी। नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको पता है कि वाज के बाद नॉट लगा दीजिए, बाकी सब सही होगा। लेकिन डियर एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात याद रखना है, अगर हमको इंट्रोगेटिव बनाना होगा डियर, तो ये फोर मेथड्स का यूज हम लोग नहीं करेंगे, केवल और केवल दो मेथड लगेगा, टू मेथड्स लगेगा। वो भी कौन सा, सब्जेक्ट ग्रुप में हम इट मान लेंगे, सेंटेंस को पलट देंगे जैसे यहाँ पे पलटा गया है। एक बार यहाँ से लेकर टू प्लस यू इन्फिनिटिव का, और फिर एक बार यहाँ से लेकर जिरंड का, यही दो ही मेथड लगेगा इंट्रोगेटिव में। यानी अगर हम बात करें इसी में, क्या उसे गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं था, और क्वेश्चन मार्क लगा दें, तो पूरा क्या हो जाएगा, वाज पहले हो जाएगा, क्योंकि क्या शब्द पहले आया। जरा देखिए इसी सेंटेंस को फिर से, क्या उसे गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं था, तो हम क्या करेंगे, क्या शब्द पहले आया कि हेल्पिंग वर्ब पहले, वाज। अब यहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप में हम केवल और केवल इट मानेंगे, वाज इट नेगेटिव है, सब्जेक्ट वर नॉट। अब जो बचा, क्या बचा, इतना आसान, वाज इट नॉट सो इजी, क्या करना, उसे गिरफ्तार करना, टू अरेस्ट हिम या अरेस्टिंग हिम, दोनों में से हम कोई भी एक लिख सकते हैं। बट स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें, भूकंप पीड़ितों की मदद करना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी क्यों नहीं थी, चलिए हम क्यों और नहीं दोनों शब्द जोड़ दे रहे हैं, क्यों नहीं थी, तो क्या करें, डब्ल्यू एच वर्ड बीच में आ गया, यानी कि डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव। भूकंप पीड़ितों की मदद करना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी क्यों नहीं थी, सेंटेंस को मैंने डब्ल्यू एच टाइप प्लस नेगेटिव बना दिया है। तो इसका रूल एकदम बिल्कुल आसान है, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, वाई, क्यों, डब्ल्यू एच वर्ड के जस्ट बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब वाज, फिर सब्जेक्ट चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमको सब्जेक्ट हमेशा इट ही मानना होगा, तो वाई वाज इट, और नेगेटिव है तो इस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, नॉट। क्या था, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी, तो हम क्या लिखेंगे, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी आगे बचा क्या, भूकंप पीड़ितों की मदद करना, तो हम क्या लिख देंगे, टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। क्वेश्चन मार्क, यहां पर हम टू हेल्प के स्थान पर हेल्पिंग भी लिख सकते हैं, नो डाउट। यानी कि डियर आइडेंटिफिकेशन नंबर फोर, यानी ऐसे हिंदी वाक्य जिनके मेन वर्ड के रूप में था थे थी इत्यादि शब्द आए तथा सब्जेक्ट ग्रुप में कोई क्रिया मिले, तो ऐसे कंडीशन में हम आइडेंटिफिकेशन नंबर फोर का यूज करते हैं, जिसमें नाउन ही वर्ब के साथ जुड़कर वर्बल नाउन बनता है और वही सब्जेक्ट कहलाता है, जिसकी अंग्रेजी दो तरीके से, या तो टू प्लस वी वन लगा के नाउन या प्रोनाउन, या तो वर्ब का एनजी फॉर्म लगा के नाउन या प्रोनाउन, जो आएगा लिखने के जस्ट बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आगे कंप्लीमेंट पूरा लिख देंगे, इस प्रकार से आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा। आपके सामने जो वीडियो प्रदर्शित हो रहा है डियर, इसको आप सॉल्व करिएगा, ना समझ में आए तो आप इसको कमेंट करके हमसे पूछिएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगे स्टूडेंट्स, तो आप जरूर इस वीडियो को
लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में इसको शेयर करें, ताकि जितने भी वीडियोस हम यहाँ पे मेहनत करके बनाते हैं आप लोग के लिए, उसमें आपको समझ में आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।